हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम माउंट केयर का फुल डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट एंड कॉन्शियस पेशेंट। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आर्टिकल रिक्वायर्ड्स फॉर माउंट केयर: किडनी ट्रे, कॉटन और कॉटन सॉप इन द बाउल, ग्लव्स, देन टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, देन बोरोलिन और बोरो प्लस एनी अदर प्रोडक्ट लाइक दिस एंड वाटर इन द जॉग एंड ग्लास। देन बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर वी हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को अच्छे से प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है लाइक दिस। टू आवर पेशेंट इज कॉन्शियस पेशेंट, सो वी हैव टू गिव सेमी फ्लोर और फॉर दैट वी आर यूजिंग बैक रेस्ट। देन स्लोली पेशेंट को थोड़ा लीव करके पेशेंट को बैक पे सपोर्ट देना है विथ बैक रेस्ट। देन तकिया को पीछे से आपको हेल्प के लिए रख सकते हैं पेशेंट के कंफर्टेबल के लिए, और पेशेंट को पूछना है आप इसी पोजीशन पे कंफर्टेबल है कि नहीं। धीरे से कार्डियक टेबल को पेशेंट के सामने लेके आना है। एज पर रिमाइंडर, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर वी हैव टू द हैंड वॉश, देन वी हैव टू क्लीन एंड ड्राई आवर हैंड, देन आफ्टर वर्ड्स वी विल वेयर ग्लव्स। वन पेयर ऑफ ग्लव्स अच्छे से पहनना है अपने सेफ्टी और पेशेंट के प्रिकॉशन के लिए। देन टॉवल को नेक और शोल्डर के सपोर्ट पे फ्रंट पे रखना है, ठीक ऐसे ही। ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो उसी तरह के जेंटली करके पेशेंट को सपोर्ट करना है। अभी पेशेंट को पहले क्लीन वाटर देना है गार्गल के लिए, उसका माउथ क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट अगेन वी आर गिविंग प्लेन वाटर टू द पेशेंट फॉर गार्गल। देन ब्रश पे हम लोगों ने टूथपेस्ट रखा, और अगर पेशेंट कॉन्शियस से वो खुद से ब्रश कर सकता है तो पेशेंट के शेष टॉवल को धीरे से रिमूव करके कार्डियक टेबल को सही जगह पे प्लेस करना है, और आफ्टर द प्रोसीजर वी हैव टू क्लीन ऑल आर्टिकल्स एंड आफ्टर वर्ड्स वी हैव टू वॉश द आवर हैंड कम्प्लीटली एंड क्लियरली। सो बिफोर देयर वी हैव टू प्लेस द पेशेंट टू द सुपाइन पोजिशन। उसके बाद धीरे से बैक रेस्ट को हटा के, तकिया को हटा के पेशेंट को पहले से जैसा सुपाइन पोजीशन पे लेके आना है, एंड वी हैव टू रिमूव द पेशेंट वेरी जेंटली एंड स्लोली।
ग्लव्स पहनने के बाद प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने मैकिंग टूल्स को पेशेंट के हेड के नीचे रखा, धीरे से पेशेंट को लीप करके मैकिंग टूल्स को रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने टॉवल को मैकिंग टूल्स के ऊपर एंड हेड के नीचे धीरे से प्लेस किया है। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे प्रोसीजर। नेक्स्ट माउथ वॉश सॉल्यूशन को रेडी करना है विथ हॉट वाटर एंड कूल वाटर, मेक इट वार्म वाटर एंड मिक्स विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसको अच्छे से शेक करना है। अगर आपके पास माउथ वॉश सॉल्यूशन है तो आप उससे भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यह आर्टरी फोर्सेप एंड गॉस पीस लिया है। आर्टरी फोर्सेप को गॉस पीस से राउंडली रैप करना है और टिप्स को कम्प्लीटली कवर करना है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे आर्टरी फोर्सेप विद गॉस पीस कम्प्लीटली रेडी है फॉर माउथ केयर। और हमने जो माउथ वॉश का सॉल्यूशन यूज किया है उस पर थोड़ा डीप करके मॉइस्चर करना है और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको नॉन्टेड फोर्सेप से उसकी यूज करना है लाइक दिस। नेक्स्ट कितनी ट्रे को लेना है और पेशेंट के सीक पे प्लेस करना है। बिफोर देयर पेशेंट के फेस को थोड़ा राइट लेटरल पोजिशन पे लेके आना है। देन आफ्टर देन ओपन द अनकॉन्शियस पेशेंट माउथ जेंटली एंड बाय प्रेसिंग द लोअर जॉ फॉरवर्ड एंड इंसर्ट इन द माउथ एंड क्लीन द एरिया अपर साइड डाउन साइड लोअर साइड एंड बोथ साइड एंड यू कैन सी इन द इमेज हाउ टू क्लीन द अनकॉन्शियस पेशेंट माउथ। देन वी हैव टू सेंस अगेन द गॉस पीस आफ्टर क्लीनिंग द वन पार्ट एंड अगेन वी हैव टू मॉइस्चर एंड अगेन वी हैव टू स्क्वीज द एक्स्ट्रा वाटर देन अगेन वी हैव टू क्लीन द सेम पोजिशन एंड सेम प्रोसेस वी हैव टू डू अराउंड ऑफ द माउथ। देन आफ्टर क्लीनिंग द माउथ वी हैव टू क्लीन द लिप्स एंड गम्स with the help of the towel. Then afterwards we have to apply the Borulin or Boroplus or any other like this glycerin products to the patient lips gums very gently with the help of soft cotton and very gently. You can see in the video. Then afterwards we have to remove the towels and making tools. Then we have to place the patient comfortable position if it is unconscious also. Then afterwards we have to check or observe after procedure patient having any tooth decay, tooth tangle, crack lips or any other abnormalities. If finding any other abnormalities to the patient, then we have to report to the insurance or insurance to nurse. आज का वीडियो यही तक है। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा या हेल्पफुल हुआ तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।